तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल्स पे। इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, एक तो हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में, दूसरा यहाँ पे एलएलबी के भी एडमिशन्स यहाँ पे शुरू हो गए हैं, बीएलएलबी के एडमिशन्स भी यहाँ पे शुरू हो गए हैं, ठीक है। एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम, एलएलएम 2 ईयर्स का प्रोग्राम्स भी यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, तो इन सभी प्रोग्राम्स का हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही हम जो है उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का भी यहाँ पे जो कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बीएड की तो मुझे लगता है लास्ट डेट जो है 27 मई थी, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर जो है अब रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर एलएलबी का, एलएलएम का, बीएड का, बीएड का, तो देख लेंगे क्या डेट जो है एक्सटेंड हुई या नहीं हुई, वो फॉर्म फिल करते हुए हमें पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे अपना वाला, यहाँ पे एक पासवर्ड आपको बना देना है, नीचे मोबाइल नंबर डालना है, और इस कोड को डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो एक बार मैं इस जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। आप देखो यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल के सबमिट ओटीपी क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो है रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल्स वाला जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं सीधे यहाँ पर चलता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन पर यहाँ पर मुझे डालना है अपना ईमेल आईडी, यानी कि जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। नीचे आपको पासवर्ड, तो पासवर्ड मैं देख लेता हूँ, और नीचे ये कैप्चा आपको डाल देना है 3-4, ये है आपका 7-4, ठीक है। देखें अब इसको लॉगिन कर लेंगे, ये लॉगिन हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है लॉगिन, यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन ये हो गया है। अब यहाँ पे प्रोफाइल पे जाना है, सबसे पहले तो प्रोफाइल को फिल करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आपको अपनी डेट, जो चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले से आई होगी वो तो आपको यहाँ पे रह देना है। कैटेगरी आपकी जो है, नीचे अल्टरनेट, नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ गया, ये आपका है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, रिलीजन्स यहाँ पे आपका जो भी धर्म है, यहाँ पे आपको तो यहाँ पे जो है आईडी प्रूफ में आपको क्या देना है। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ में एक तो इन्होंने इंडियन पासपोर्ट का ले रखा, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, और तो आधार कार्ड का तो है नहीं यहाँ पे, तो पैन कार्ड का आप डाल देंगे, ठीक है। पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स में जो भी बेसिक डिटेल्स है वो मैंने सारा यहाँ पे भर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। अदर डिटेल्स में आ जाएगा कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास में, नहीं है, एनएसएस का कैंप किया है, नहीं किया है, अगर किया है तो कितना किया है, वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि आपका जो है कोई यूनिवर्सिटी में जो है एम्प्लॉय है, यहाँ पे जो है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड है या नहीं है, यहाँ पे इसने दे दिया लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये भी आप डाल देना। अदर लैंग्वेज भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगला यहाँ पे अगला सेक्शंस यहाँ पे अपलोड है डॉक्यूमेंट्स का, फ़ोटो, सिग्नेचर, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो मैंने चूज़ किया है सब कैटेगरी का, यहाँ पे आईडी प्रूफ, यहाँ पे एनएसएस का सर्टिफिकेट मांग रहा है, और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है। ये चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी सारी की सारी, और इनका साइज़ रखना 10 से 500 KB के बीच में, ठीक है। तो इनको मैं जल्दी से अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है आगे, यहाँ पे मैं फॉर्म फिल नहीं करवाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं पैन कार्ड, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था, आधार कार्ड का ऑप्शन तो था नहीं।
तो आधार कार्ड मेरे पास पड़ा था, पैन कार्ड अभी है नहीं, तो मुझे जो है फॉर्म अभी फ़िलहाल आधा छोड़ना यहाँ पे पड़ेगा। इसकी अगली जो प्रोसेस है मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। बाकी इसमें मैंने तीन स्टेप्स आपको बता दिए, एक तो प्रोफाइल्स आपको फिल करना है, अदर डिटेल्स आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्योंकि इसके बाद जो है हम जो अगला स्टेप्स होगा हमें एक रिव्यू करना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, तब हम जो है यहाँ पे कोर्स के लिए प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो इसका जो आगे नेक्स्ट का जो प्रोसेस है, नेक्स्ट की जो प्रोसेस की जो वीडियो है वो अगली जो वीडियो है उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है, जल्द वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे।